मोहन यादव एक ऐसा चेहरा जिसकी ना मीडिया में चर्चा हुई ना जिसके पीछे बड़ा नेता होने का कोई टैग चस्पा था। लेकिन नरेंद्र मोदी युग की बीजेपी के फैसले अक्सर लीक से हटकर होते हैं। ऐसा ही एक और फैसले से एमपी में उनको मोहन मिल गया। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आज सबका प्रेम आपका आशीर्वाद सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। मोहन यादव को एमपी के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की विरासत मिली तो उसके पीछे 2024 का संदेश साफ नजर आया है। मोहन यादव युवा और नया चेहरा है, इससे एक झटके में शिवराज सिंह चौहान से कनेक्ट किए जाने वाला फटीक फैक्टर दूर हुआ। मोहन यादव को चुनने में सिर्फ ओबीसी कार्ड ही नहीं चला गया, वो अपने साथ उस यादव समीकरण को ला रहे हैं जो एमपी के अलावा यूपी और बिहार में बहुत ताकतवर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति शुरू करने वाले मोहन यादव पर आरएसएस का भरोसा है क्योंकि उन्होंने सक्रिय होकर संघ में काम किया। साथ ही मोहन यादव को पार्टी संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव है। आज ये मैं यादव समाज से हूँ और ये यादव समाज के लिए बहुत बड़ी बात हुई है, गर्व की बात है। और चूंकि मैं यादव हूँ, यूपी से हूँ, तो मुझे ही कई बार कहते थे क्या बीजेपी में जुड़ी हो, ऐसा मैंने खुद सुना है। आज उन सब के बाले गाल पे तमाचा टाइप का लगा है जो आज हुआ है। माननीय सभापति जी, आज एक हमारे बड़े भाई मोहन यादव जो महाकाल की नगरी के विधायक हैं, वो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। और माननीय मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री शिशु प्रधानमंत्री दोनों के लिए आज यादव समाज ऋणी हो गया है। और मैं फिर अपने यहीं से बैठ के अपने सभी यूपी के भाई बहनों को भी कहना चाहूंगी कि जो भी ये सोचता है कि यादव समाज में बीजेपी का जाना गलत है, ये उनके लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल अब हो नहीं सकता। महाकाल की नगरी उज्जैन में दक्षिण उज्जैन विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए मोहन यादव को मानो महाकाल ने अपना आशीर्वाद दे दिया। इस बात को ऐसे समझिए कि विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले जब सभी नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ तब वो तीसरी लाइन में बैठे थे, यानी मोहन यादव को दूर दूर तक सीएम पद की रेस में गिना तक नहीं जा रहा था। बताया, मैं एक पेशेंट अभी ऑपरेशन करके आई थी, एक मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो पेशेंट देख रही थी, एक किसी के बेस्ट विशेज आई कि ऐसे की बधाई के लिए फोन आया, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। एक सीढ़ी है कि कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है। क्या मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के, निश्चित रूप से उसका परिणाम है। बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा या कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे। जब शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े चेहरे सामने रहे हों, तो भला कौन सिर्फ तीसरी बार चुने गए विधायक के नाम इतना बड़ा ताज होने का अंदाजा लगा सकता था। और यही तो है नरेंद्र मोदी युग में नई बीजेपी की नई कार्य संस्कृति, कि विपक्ष को अपना अगला कदम चलने के लिए नई रणनीति बनाने को मजबूर होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हाईकमान ने चौंकाया है, मोहन यादव मुख्यमंत्री पद पर घोषित किए गए हैं और हाईकमान के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में और उसके अलावा आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। मोहन यादव को बनाकर बीजेपी ने एक मैसेज ये भी दिया है कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता की भी उतनी ही वक्त है जितनी बड़े नेताओं की है। मोहन यादव को उस मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की कमान मिल रही है जहां बीजेपी का वर्चस्व गुजरात से भी पहले कायम हुआ था। मोहन यादव को सरकार चलाने में मदद करने के लिए दो डिप्टी सीएम दिए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे। राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण चेहरे हैं तो जगदीश देवड़ा अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, यानी सामाजिक समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है। जगदीश देवड़ा है सर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपको चेक किया गया है? अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। अच्छा, मोहन यादव सीएम बनाए गए हैं, किस तरह बोल, बधाई उनको। पार्टी का फैसला उचित है, उचित है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता साधारण भी हैं और असाधारण भी हैं। राजनीति का हर चैप्टर समझने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश की नई विधानसभा में स्पीकर का जिम्मा मिल सकता है। नए
मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। छत्तीसगढ़ में पहले आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करने के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चुनकर जितनी आबादी उतना हक के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के नारों को बेअसर करने का भी प्लान बना लिया। खासकर तब जब हिंदी बेल्ट में चुनावी हार के बाद एक बार फिर एनडीए गठबंधन नए सिरे से एकता के सूत्र पिरोने की कोशिशें कर रहा है और हार के बावजूद दिल मजबूत करके दावे कर रहा है कि बीजेपी का टाइम पूरा हो गया। 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। ऐसे दावों के उलट बीजेपी 2024 के लिए ठोस रणनीति बनाती दिख रही है, जहां खुद नरेंद्र मोदी मैदान में हैं, जो चुनाव नतीजों से लेकर ग्लोबल रेटिंग में एक अकेला कितनों पर भारी के अपने बयान को सच साबित करते दिखते हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री के चेहरों को चुनने में बीजेपी न किसी दबाव में आती है और न किसी भूल भुलावे में दिखती है कि कोई नया चेहरा आएगा तो क्या होगा। ऐसे में अब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला क्या होगा, इसे लेकर भी देश की दिलचस्पी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि न छत्तीसगढ़ और न ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए सार्वजनिक तौर पर कोई दावेदारी या लॉबिंग हुई, लेकिन राजस्थान में परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। वहां विधायकों की बाड़ेबंदी तक की खबरें आई। दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया के कैंप से दावेदारी के संकेत मिले हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मीणा समाज की ओर से चिट्ठी लिखी गई। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह कई हैवीवेट कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद की रेस में दिखते हैं, लेकिन विजेता कौन होगा ये कोई कहने की सूरत में नहीं है। इसमें हम कहने के अधिकारी नहीं है, ये कपोल कल्पित बातें मैं कैसे कह सकता हूँ। मेरे साथ मेरे तरह ही चुनाव में पराजित हुए रामलाल जी शर्मा है, राजनीति के ज्योतिषी है, वो कुछ बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी में सीएम पद के चेहरों के मद्देनजर ये कयास लगाए जा सकते हैं कि राजस्थान का फैसला भी कुछ ऐसा होगा जो नरेंद्र मोदी के विजन को और ज्यादा मजबूत करता हो। नरेंद्र मोदी के विजन में संगठन की शक्ति, प्रशासनिक क्षमता और सबसे बढ़कर हर एक को साथ लेकर चलने की कुव्वत नई पीढ़ी की लीडरशिप का पहला क्वालिफिकेशन है। इसमें विष्णुदेव साय और मोहन यादव दोनों खड़े उतरते हैं, इसीलिए राजस्थान में तुरुप का इक्का कौन होगा ये सवाल बड़ा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को कमान सौंप कर बीजेपी आला कमान ने राजस्थान के लिए अपने संकेत साफ कर दिए हैं कि वो पुराने चेहरों को राजस्थान में मौका देने नहीं जा रही है। जिन चेहरों का चुनाव मुख्यमंत्री पद के लिए किया गया है उनमें कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि बीजेपी की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। तीन राज्य में बीजेपी की नई सरकारें जब तक कामकाज संभालेंगी उनके बाद 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने का समय आ जाएगा। विपक्ष के मुकाबले एक ओर जहां बीजेपी अनुभव और नई लीडरशिप दोनों सामने रखने का दांव चल रही है, तो दूसरी ओर भारत माता कौन के राहुल गांधी के सवालों के बीच बीजेपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रवाद का ज्वार उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सर आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में, मैं था उस दिन। सर उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे हैं? हम तो सदैव कश्मीर के हैं हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूँ, कश्मीर के लिए नहीं हूँ, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी मुद्दों और युवा शक्ति दोनों के सहारे 2024 के मैदान में होंगे, फिर क्या भरोसा कि 2024 के आंकड़े पहले से ज्यादा चौंकाए। दिल्ली से रविकांत और भोपाल से मकरंद काले और हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।